अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद और ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रीज वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से लोहा मंडी स्थित महाराजा अग्रसेन भवन पर पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह का अभिनंदन व परिषद का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने महाराजा अग्रसेन जी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया। सभी पदाधिकारियों ने सर्वप्रथम पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री डॉक्टर जयवीर सिंह का 21 किलोग्राम की फूलों की माला से अभिनंदन किया। कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने सभी पदाधिकारियों का मंच से धन्यवाद देते हुए कहा कि वो योगी सरकार में उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है उसका पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करेंगे और प्रदेश भर में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार गरीबों को जो मुफ्त राशन दे रही है वो वैश्य समाज की ही देन है। व्यापारियों को रामराज का वातावरण मिल रहा है। सरकार व्यापारियों कर संरक्षण और हितों के लिए सदैव साथ खड़ी है। भारतीय वैश्य एकता परिषद और व्यापारिक संगठन ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्री वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वावधान में आज माननीय ठाकुर जयवीर सिंह जी, जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री हैं, उनका आज हम सब लोग अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। बड़ी हम लोगों को खुशी हो रही है। आज कुछ पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह भी होगा। मैं आप सब लोगों के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि जो वैश्य शब्द है, वैश्य शब्द व्यापारी और वैश्य बिल्कुल पर्यायवाची शब्द आप समझ लीजिए, क्योंकि हमारी जाति वर्ण व्यवस्था में वैश्य को व्यापारी भी कहा जाता है और व्यापारी को वैश्य कहा जाता है। कोई ये ना समझे कि ये बनिया लोग हैं, अग्रवाल लोग हैं या खंडेल वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रीज वेलफेयर एसोसिएशन के कार्यक्रम में पुष्पांजलि सभागार में यहाँ पधार रहे हैं। मैं उनका ध्यान आगरा के विकास के लिए, आगरा में बैराज, एयरपोर्ट, स्टेडियम, हाई कोर्ट बेंच और ऐतिहासिक मार्बल बाजार, मार्बल मंडी की स्थापना के लिए हम सभी लोग वैश्य व्यापारी आज उनसे अपना निवेदन करेंगे और उस निवेदन के साथ साथ उनका यहाँ पर भव्य स्वागत रखा गया है। हम सभी लोग उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय आगरा के लिए। आज अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद एवं व्यापारिक संगठन ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रीज वेलफेयर एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में आज अभिनंदन समारोह और पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह भी आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपनी बात लखनऊ तक पहुंचाना चाहते हैं। हम लोग इकट्ठे होकर अपनी ताकत और शक्ति का प्रदर्शन आने वाले कल में करके अपनी आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे और बहुत शीघ्र ही उत्तर प्रदेश के व्यापारियों का, वैश्य समाज के लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने वाला है और उनके माध्यम से जो व्यापारिक समस्याएं हैं, व्यापारिक कठिनाइयां हैं, उनके संदर्भ में एक ज्ञापन देने का काम भी हम लोग करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुमंत गुप्ता ने कहा कि आगामी निकाय चुनावों में भाजपा से प्रमुखता से मांग करती है कि अधिक से अधिक वैश्य उम्मीदवारों को टिकट दी जाए। लघु उद्योग और मझोले व्यापार करने वाले व्यापारियों को सर्वे छापे जैसी उत्पीड़नात्मक कार्यवाही से मुक्त किया जाए। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से आदर्श शर्मा की रिपोर्ट। आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें।